अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फिजा शोएब और आपको वेलकम करती हूँ हमारे मेहमान में। आज जरा जो है ना वो बोलते बोलते भी आवाज़ कांप रही है क्योंकि कराची में इतनी सर्दी हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी ये सर्दी। और अभी सुना है कि जी बड़ा कोई सेंचुरी का कराची का सबसे सर्द दिन आने वाला है, लेकिन हमारा शो सर्द बिल्कुल नहीं होगा। आज हमारे शो में जो है वो हम जो मेहमान हैं वही इतने गर्म जोश हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बड़ा सुना है उनके बारे में कि जी गुस्से के तेज़ हैं, मगर उनको देखा है खूब सारा काम करते हुए कई सालों में। हीरो के बारे में बड़ी चर्चा होती है, मगर इन्होंने अपना नाम कमाया विलन के कैरेक्टर्स करते करते। एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक फादर भी हैं, राइटर भी हैं और बड़े कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी भी हैं। इनके बारे में हर रोज एक नई खबर आती है और अभी इनकी बहुत सारी फिल्में भी आने वाली हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो गुस्से वाला आदमी नजर आता है जो विलन के कैरेक्टर्स करता है वो असल में कैसा है। क्या उसका दिल इतना ही नरम है जितना हम सबका है? क्या उसकी वही फीलिंग्स हैं जो हम सबकी हैं? आज करेंगे शमून अब्बासी पे थोड़ी सी वर्किंग और जानेंगे कि शमून अब्बासी असल में कैसे हैं। तो आइए खाना खा रहे हैं अंदर, अंदर चल के आपको मिलवाती हूँ। कम विद मी। ये काफी देर हो चुकी है और फिजा शोएब का वेट हो रहा है। मुझे यहाँ का क्या, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। देखें। नहीं नहीं नहीं, आप मेरा और इंतजार मत करें। और हम लेट हो गए, ये तो गुनाह हो गया है ना। लेकिन ये क्या है भाई, हर कोई डरा हुआ क्यों है आपसे? टाइम पे पहुँच जाना, ये कोई ऐसा सवाल ना कर देना, गुस्सा ना आ जाए। एक्चुअली मैं खुद बड़ा टाइम पे पहुंचता हूँ हर जगह पे। हाँ। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा रूल है जो सब फॉलो करते हैं और उनको सबको फॉलो भी करना चाहिए। अगर कोई टाइम पे नहीं होता तो मैं गुस्सा नहीं करता, बट थोड़ी सी नाराजगी मुझे जरूर होती है कि वी शुड रिस्पेक्ट टाइम। ओके, बट आज आप हमसे नाराज थे। नॉट एट ऑल, और इट्स ऑल यू शुड स्टार्ट। या आई विल, लेकिन आई वांट टू स्टार्ट विद माय शो फर्स्ट। ओके, यस। तो हम आपके बारे में बात करेंगे बिकॉज़ यू आर एन एक्टर एंड यू नो यू आर डूइंग फिल्म्स एंड यू हैव डन ड्रामास एंड यू हैव डन रियलिटी शोज एंड यू हैव डन वेब सीरीज और पता नहीं क्या क्या। बट ये नाजमाबाद में रहने वाला लड़का जो है, जो इटली से नॉर्थ नाजमाबाद, जो इटली से नॉर्थ नाजमाबाद आया और वहाँ की हरियाली से यहाँ की कंक्रीट में आया और आज माशाल्लाह से खुद इतनी कंक्रीट पर्सनालिटी है, ये तो एक सफर है जो कि लोग भी जानते हैं। आपने खूब मेहनत की है, आपने खूब काम किया है, खूब फड्डे भी किए हैं, है ना, खूब मोहब्बतें भी की हैं। मोहब्बत की है? ऑफ कोर्स। मोहब्बत एक बार होती है, बार बार होती है? मोहब्बत मुझे लगता है एक दफा होने की इजाज़त मांग रही होती है। वो आप तला वो उस इजाज़त के चक्कर में आप मुख्तलिफ लोगों के साथ हुकअप होते हैं और उसके बाद आप उनको शायद मोहब्बत उस इजाज़त के लिए उस शख्स को चुनते हैं कि इसके साथ, लेकिन मोहब्बत फिर बाद में बताती है कि नहीं मैं अभी तक हुई नहीं हूँ। हाँ, मेरे साथ एक रिलेशनशिप ऐसे गुजरा था, वॉज वेरी फेक। रियली? हाँ, तो वो मैं फिर उन बातों से ज़रा डर गया हूँ और रोमांटिक बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। रोमांटिक क्या होता है आपके लिए? Romance, I think, is peace. जब आप two people are together and they're having good time and they don't have to do much but they're having a very pleasant time together. I think that is romantic when they're caring for each other. मोहब्बत की अगर बात की तो मोहब्बत आपको किससे हुई? मेरा जो first and last love रहा वो काम ही रहा, क्योंकि उसी ने बाकी मोहब्बतें तबाह कर दी। मेरे इस मोहब्बत ने बाकी चीजें जो है ना वो, और ये वाहिद चीजें फिजा जो constantly आज तक चल रही है। तो आई लव इट, आई लव वॉट आई डू। I don't care, people have a lot to say about me. Google पर पता नहीं क्या क्या बातें लिखी होती हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे बड़ी हंसी आती है, Google जब खोल के अपना ही नाम लिखो ना तो घबराहट हो जाती है, बंदा कौन है जिसके बारे में बातें हो रही हैं। नुकसान उठा के सीखते हैं? हाँ, बहुत नुकसान ही उठा के सीखा है, कभी फायदा तो हुआ ही नहीं मुझे किसी भी चीज़ में। हमेशा पहले नुकसान उठाया, फिर सीखा और फिर उस चीज़ को कभी नहीं किया। कभी किसी का दिल दुखाया? दुखाया होगा बिल्कुल। और जब महसूस किया कि दिल दुखाया तो क्या किया? कोशिश सबसे पहले 70-80% ये होती है कि माफ़ी मांगो एंड स्ट्रेट अवे मांगो, नो बट्स नो एफ्स, बस लोग माफ कर देते। कुछ लोगों ने किया, उनकी बड़ाई थी। आज मैं टीवी पे बैठा हूँ, उन सब लोगों से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर मैंने किसी का दिल ऐसे तोड़ा कि वो आज तक ना जुड़ सका हो, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कीजिएगा प्लीज़। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कहते हैं कि इंसान की पहली मोहब्बत जो होती है वो उसके माँ बाप होते हैं, है ना। माँ बाप की मोहब्बत मिली आपको? मुझे दोनों की मोहब्बत मिली एंड आई वॉज लकी टू यू नो टू बी बॉर्न इन रोम। मेरे माँ बाप इटली में थे उस वक्त, तो आई हैड अ फैंटास्टिक टीनेज टाइम। मुझे पूरा इटली देखने को मिला, मुझे पूरा यूरोप मेरे फादर ने घुमाया,
And he was such a seasoned person. आपके वालिद साहब ने जो है वो दूसरी शादी की और जब आपके अम्मी अब्बू सेपरेट हुए तब रेज था गुस्सा था या आप अंडरस्टैंडिंग थे आपको समझ में आ रही थी There was some complication going on उनकी लाइफ में जब इटली में थे वो लोग तो वो जो वक्त मैं देखता था ना उनके लड़ाइयों का वो मुझे बड़ा अपसेट करता था क्योंकि मैं मेरे पास ना कोई पप्पी थी ना कोई चाचा था ना कोई कजन था So nobody could understand the pain I was going through. So I was the only one, you know, facing those fights and everything. मुझे पता भी नहीं चला actually वो हुआ है कि रात में खामोशी से and you know they thought of parting away. उन्होंने कहा जी हम अलग हो रहे हैं and I was like okay. सौतेली माँ के बारे में कहते हैं जी बड़ी खतरनाक ड्रामों में भी दिखाते हैं बड़ी जालिम ये वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरे बारे में लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि जिसने एक से ज़्यादा शादी की मैं कहता था मुझे एक बात बताएं ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है हाँ जी ठीक है वी आर नॉट जर्मन्स वी आर नॉट रशियंस वी आर पाकिस्तानी और इस्लामिक मुस्लिम्स हैं हम तो मेरे घर वालों ने या मेरे फादर ने जो मुझे ट्रेनिंग दी उन्होंने कहा बेटा यू लाइक समबडी ask her if she wants to get married do not have that relationship aapne mere bare mein aaj tak nahi suna hoga affair chal raha I'm 47 now mera affair koi nahi chal raha na koi scandal hai mera acha aapne jab bhi jab shaadi ki aapne kya soch ke shaadi ki mujhe actually utna time mila nahi hai sochne ko ki main aisi honi chahiye waisi honi chahiye mujhe mil gayi log is relationships ke mamle mein I wait for the other person to actually you know take that step because I don't want to be somebody who is like nosy and you know aapke peeche pad jaye aur ladki ke peeche pada hua so women in your life took that step willingly yeah most of them okay most of them bhai kuch pilaye na mujhe yaar mujhe pyaas lag rahi hai kya aap chai coffee main cold drink piungi white koi bhi white cold drink ek le talaq ki agar baat kare you know I am divorced. I am a single mother. I have a daughter. और हमारे यहाँ सोसाइटी का ये बड़ी बेकार सी बात है कि लड़की मीडिया में थी घर नहीं चला सकी अपना हालांकि मीडिया के बाहर भी तलाकें होती हैं मगर जब एक इंसान की दूसरी बार तलाक होती है दूसरी बार रिलेशनशिप टूटता है तो लोग एकदम से कहने लगते हैं कि यार पहले भी इसकी तलाक इसी में कोई मसला होगा या पीपल हैव दिस थिंग कि जी आप में ही कोई मसला होगा तो मैं कहता हूँ बिल्कुल मेरे अंदर यकीनन मसला होगा मैंने फिर ये देखा कि जिनके साथ आपकी शादी नहीं है और आप वैसे ही नॉर्मल जिंदगी दोस्तों के साथ गुजार रहे हैं दे लव यू देयर लाइक यू आर अ ग्रेट पर्सन वो जो शादी का टैग लग गया मैं बीवी बन गई ओफ वो अजाब बन गया ये समझ नहीं आती बात अच्छा शादी आपकी रही सेपरेशन आपकी रही मगर लोगों ने जो है वो अपने अपने दिमाग लड़ाए तो ऐसा भी हमने सुना था कि आप शबून ने हाथ उठाए मैंने भी सुनी थी वायलेंस के वायलेंस किया मैंने ना कि वो मर गई उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट मैंने भी लगाया तो वहां से स्टेटमेंट आया कि सॉरी वो मैं सिर्फ शबून के बारे में नहीं कह रही थी वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड एक और भी थे उनके बारे में भी कह रही थी अच्छा It explains a lot. ये जो है ना कि जी मैं चूंकि दूर से एक मीनार देखता हूँ उस मीनार पे बस जो है ना ऊपर जो है ना भूत बैठा हुआ है ये बना के आपने मुझे छोड़ दिया अच्छा मैंने भी 2-4-5 साल पहले बड़ा फाइट किया सी सो नॉट लाइक दैट आई एम नॉट फिर मैंने कहा गुड हेल यू वांट टू थिंक मैं क्या बिगड़ रहा है मेरा कभी ऐसा हुआ कि हाथ उठ गया हो देखिए हाथ उठना जो है ना वो बड़ा उसका एक बड़े लेवल्स होते हैं एक होता है कि आप आते हैं आप किसी को मारना शुरू कर देते हैं खामखा एक होता है यू वांट टू जस्ट शट अप समबडी के जस्ट चुप कर जाओ एंड होश करो उसमें आप पकड़ के जोड़ देते हैं आप समझाते हैं आप हाथ पकड़ लेते हैं किसी का अगर आप उसको मारपीट कहना शुरू कर दें तो फिर जाती है सर ठीक है ना तो हाँ वो किसमें अभी में नहीं होता आज चूंकि सोशल मीडिया सामने आ गया तो हम हर एक के घर में घुस घुस के जो है वो पिन पिन कर रहे होते हैं मैं तो कहती हूँ कभी माँ बाप को अपनी औलाद पे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए आई टोटली जरूरी है वहाँ उठाए मैं आपको बताऊँ हाँ भाई मेरा बच्चा है मैं जानता हूँ किस तरह भी कंट्रोल होगा हाँ पूरी जिंदगी मार रहे हैं जाती है अभी दो लगा दे वो डर गए थैंक यू वरना फिर क्या होगा आपकी बच्ची अभी जिस जमाने में बड़ी हो रही है 2020 है बाय द टाइम शी विल बी 20 2035 की जरा इमेजिनेशन जरा सोचें क्या होगी क्या ओपननेस होगी हो सकता है वो सलाम किए बगैर आपको चली जाए क्या करेगी यही मैं कह रहा हूँ अभी उसको उस जगह पे लेकर सलाम करना तमीज से अदब से बात करना नो मैटर हाउ मॉडर्न यू बिकम सलाम करना सीखें अदब से बैठना सीखें इन बातों में लोग समझते हैं कोई बहुत दकियानूसी बातें नहीं ये दकियानूसी बातें नहीं ये बड़ी बेसिक्स हैं ये बेसिक्स हैं ये पूरी जिंदगी काम आएंगे और यहाँ नहीं आप किसी गोरे के साथ भी बैठोगे उसको भी पसंद आएगी आपको याद है कोई पढ़ा आपको मेरे पढ़ा था मैं सीधा हो गया
मुझे प्रॉब्लम यह था कि मैं घर के जितने भी ये होते थे ना कबर्ड्स और ये हाँ. मैं छोटा था, मुझे उनके ऊपर चढ़ना आता था. आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग इट और जब मैं टॉप पे पहुंचा हूँ तो मैं उसको लेके गिर गया नीचे. और मैंने पूरा कोई 5 कबर्ड्स गिराए हैं, उसमें कोई तबाही आ गई. तो माय मदर एक्चुअली यू नो बीट मी लाइक एनीथिंग. बेटा स्टार बन जाए कुछ भी हो मगर अम्मा की मार याद रहती है ना. इसलिए अगर कभी मारे भी लगाए भी तो सोच समझ के लगाएंगे, ये सारी जिंदगी याद रहनी है ना. अच्छा आप एक यू आर आल्सो अ फादर, एक बाप भी हैं, क्या आपने बच्चों की वैसी परवरिश कर पाए जैसी चाहते थे? मेरी बेटी जो है अंजला, वो एक बहुत प्रेजेंटेबल बच्ची है, वो एक बहुत तमीज़ वाली बच्ची है, सलाम दुआ करने वाली बच्ची है, जिससे भी मिलती है उससे दोस्ती होती है उसकी, बड़े छोटे उसको सब पसंद करते हैं. मुझे लगता है बस बच्चों का, क्योंकि वो बड़े होते हैं तो अपना कैरेक्टर खुद भी बनाते हैं ना. यू कांट जस्ट गिव देम कैरेक्टर, यू नो कैरेक्टर उनका अपना होता है, बट अगर अपने बेसिक्स ठीक कर लिए तो उस कैरेक्टर में वो फिर बड़े इंटरेस्टिंगली. तो शी इज़ बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल ऑलवेज. एज पेरेंट्स इख्तलाफ रहा कि इस तरह करना है उस तरह करना है? होता है, वो कभी कभी होता है. फिजा मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं वेरी ओपन एंड स्टबर्न पर्सन. सोसाइटी से इतना डरे हुए होते हैं कि नहीं मेरी बहन का पता चल गया फलाने पे गली में, अशरफ भाई बैठते हैं उन्होंने देख लिया. हाँ. और भाई उससे ज्यादा ध्यान अपने आप पे दो, तुम्हारा अपनी बहन के साथ क्या रिलेशन है? डरा रहे हो, धमका रहे हो 24 घंटे, शी विल डू दिस. दोस्त बन जाओ, समझा दो, बोलो बेटा सही नहीं है ये लड़का, नहीं है यूँ नहीं है, जानता हूँ. कभी आपकी बेटी को आपसे कोई शिकायत रही? कभी आपने नाराजगी बेरुखी देखी? कभी कभी होती है. शुरू में मतलब जब वो बड़ी होना शुरू हुई तो मैं बहुत बिजी था, वाज लाइक इन अ स्ट्रगलिंग एज. तो मुझे लगता है कि आई मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ टाइम विद हर. तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कुछ रह गया होगा. कोई मैसेज देना चाहते हैं अंजला को आज ऑन स्क्रीन? अंजला को मैं कहूंगा आई लव यू बेबी एंड you're my princess. Aww. And you know that. When she was a little girl, Aww. Now she's mashallah grown up. She has a car and everything. Wow. You know, she does commercials and she goes here. She's an actor. She's an actor, model now. Yes. Singer. So, हमने आपके किसी प्रोजेक्ट में उसको नहीं देखा? इत्तेफाक से अभी तक कोई ऐसा रोल नहीं आया, वरना आई वुड प्रेफर के उस एज में मेरे ख्याल में अंजला से अभी तक काम कोई नहीं कर सकता. अभी अनुषा जो मेरी बहन है वो शीज अ टेरिफिक एक्ट्रेस. उसकी मैं जहाँ भी जाती है उसकी बहुत तारीफ होती है. True. तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोनों के साथ मिलकर ना कभी हम तीनों जरा फैमिली प्रोडक्शन एक बनाएं. And I'm sure it's going to be a super hit. आपने मीडिया की लड़की से भी शादी की और मीडिया के बाहर की लड़की से भी शादी की, क्या फर्क था? अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज फंस जाए तो वो मीडिया और नॉन मीडिया doesn't matter. मगर कोई फर्क तो होगा ना कि एक एक वर्किंग लेडी में और एक हाउस वाइफ में भी फर्क होता है. शो बिजनेस के अपने कुछ पर्क्स हैं. व्हेन यू गो आउट एंड यू वर्क, कुछ आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो कि आपको कभी कभी बिटर भी कर देती हैं, आपको कड़वा कर देती हैं. लड़कियों को खासतौर पर उनके ऊपर ना अजीब अजीब ऑफर्स डाल रहे होते हैं, ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, यूँ करोगी तो काम मिलेगा, यूँ कर अब मेरे साथ डिनर कर लो तो ये होगा. ऑल दैट यू ब्रिंग होम. अब आप घर में मुस्कुरा तो रही होते हो लेकिन वो पूरा दिन का रील ना चल रहा होता है. डू यू फेयर के आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है बिकॉज़ शी इज वर्किंग एंड पीपल, हर तरह के लोग इंडस्ट्री में? 99% पीपल नो मी एंड यू नो दैट नेम बिकम्स अ शील्ड फॉर देम. दे नो के ये पागल आदमी है. हर दिमाग है और उल्टी बात नहीं सुनेगा. अल्लाह का शुक्र है पिछले 10 साल से 8 साल से दोनों काम कर रही हैं, खास तौर पे अनुषे. और आज तक मुझे कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आती. हाँ जरा मुझे आप ये तो बताएंगे शमून अब्बासी इज ऑफिशियली सिंगल और नॉट? लड़कियाँ देख रही हैं आपके साथ. अच्छा चले कान में बता दे. कान में भी नहीं. What is single? What? चले, मैं आपकी जिंदगी आसान करती हूँ. एक होता है सिंगल और एक होता है सिंगल रेडी टू मिंगल, एक होता है सिंगल बट नॉट रेडी टू मिंगल. इनमें से कोई सिलेक्ट करें? तीनों में से कोई नहीं हूँ मैं. तीनों में से कोई नहीं. तो अगर आपसे कभी कोई फैन मेरे बारे में इतनी लोग ऑलरेडी बातें करते रहते हैं, कुछ सोचने दे जो सोच रहे. शादी कर सकते हैं दोबारा? पॉसिबिलिटी है शादी अगर करूंगा ना और अगर की तो अब पता नहीं चलेगा किसी को. क्योंकि जब पता चलता है तो फिर तमाशा करते हैं. तो बीवी नहीं बोलेगी शो मी ऑफ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम योर वाइफ? ऐसी लड़की ही नहीं होगी, आप देख लीजिएगा. वो ऐसी बंदी नहीं होगी, वो अंडरस्टैंड करेगी क्योंकि उसको पता होगा कि शमून अब्बासी किस प्रोसेस से गुजरा है. मेरी तो हर शादी गूगल पे चली जाती है ना. हाँ. इस दफा नहीं जाएगी. चले जी, शादी गूगल पे नहीं जाएगी लेकिन हम थोड़ी देर में वापस आएंगे और मजीद बहुत सारी बातें करेंगे. जी 6 फिल्में आने वाली हैं, आप लोग कहीं में